हेलो गाइस, मैं हूँ पूनम और आज मैं ये लुक क्रिएट करने जा रही हूँ। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे फर्स्ट मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी प्राइमर, जो लखनऊ सलूट का प्राइमर है, जो कि काफ़ी अच्छा प्राइमर है। प्राइमर हमेशा यूज़ करना चाहिए मेकअप से पहले, बिकॉज ये हमारे पोर्स को ब्लर कर देता है एंड काफ़ी स्मूथ फिनिश देता है। देन मैं इसके बाद यूज़ कर रही हूँ कंसीलर। ये एले गर्ल का कंसीलर है, काफ़ी अच्छा कंसीलर है। मैं इसे अंडर आई एरिया में एंड अपने फोरहेड पे और अपनी चिन पे अप्लाई कर रही हूँ, और मैंने इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लिया है अच्छे से पूरे फेस पे। आप देख सकते हैं मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ, अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। देन मैं इसके बाद अप्लाई करूँगी आईब्रो। पैलेट से आईब्रो फिल कर ली है मैंने, सॉरी फॉर दैट, कैमरा ऑफ हो गया था तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। देन मैं इसके बाद अप्लाई कर रही हूँ फाउंडेशन, जो कि लॉरियल का है। ये काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है, ये काफ़ी अच्छी फिनिश देता है और बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है। ये आप पार्टी के लिए, नाइट मेकअप के लिए बेस्ट फाउंडेशन है, और इसे काफ़ी कम क्वांटिटी में आप यूज़ करके बहुत अच्छा लुक क्रिएट कर सकते हैं। और जब भी आप मेकअप करें तो हमेशा नेक पे और ईयर्स पे हमेशा अप्लाई करना चाहिए, अदरवाइज़ हमारे फेस का और नेक का कलर डिफरेंट डिफरेंट शो होता है। देन मैं इसके बाद आई शेडो पैलेट ग्लैम 21 यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा आई शेडो पैलेट है, इसे मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया था। इसमें बहुत अच्छे शेड्स अवेलेबल हैं और सारे कलर्स काफ़ी पिगमेंटेड हैं। मैंने इसमें से ब्राउन कलर चूज़ किया है, अपनी क्रीज लाइन पे मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से इसे ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंडिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, इसे मैं सेकेंड अपने आई पे भी, आईलेट पे ब्लेंड कर रही हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं, और मैंने इसे अप्लाई कर लिया है। इसके बाद मैं ग्रीन कलर लूँगी आई शेडो पैलेट से और मैंने इसे अपने आईलेट पे अप्लाई किया है। सेम अपनी दूसरी आई पे भी से अप्लाई कर लिया है और अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया है। मैंने ग्रीन साड़ी पहनी हुई है इसलिए मैंने ग्रीन कलर चूज़ किया है। आप चाहे तो कोई और भी कलर चूज़ कर सकते हैं आई मेकअप के लिए। फिर मैंने इसके बाद ब्लैक कलर लिया है अपने आई शेडो पैलेट से और अपने आउटर कॉर्नर मैं वी शेप में अप्लाई किया है, जो कि काफ़ी अच्छा लुक देता है और एक स्मोकी फिनिश भी आ जाती है, स्मोकी लुक क्रिएट हो जाता है। आप देख सकते हैं ब्लैक कलर अप्लाई कर रही हूँ, और आप ब्लैक कलर एंड ग्रीन कलर को ब्लेंड कर रही हूँ जिससे कोई भी हार्श लाइन ना रहे हैं। इसके बाद मैं लाइनर अप्लाई करूँगी, जो कि मेबलिन का जेल आईलाइनर है। जो जेल लाइनर काफ़ी अच्छा लाइनर है, इसे आप एज अ आईलाइनर और एज अ काजल भी अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लाइनर है। मेबलिन के प्रोडक्ट्स सारे मेरे फेवरेट्स हैं और काफ़ी रीजनेबल भी हैं, बहुत कॉस्टली नहीं होते हैं, ईजिली कोई भी यूज़ कर सकता है एंड परचेज कर सकता है। आप देख सकते हैं मैंने ये पूरा फिनिश कर लिया है आईज़ का लुक आईलाइनर के साथ। देन मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ, ये भी मेबलिन का है, ये काफ़ी अच्छा मस्कारा है, ये भी मैंने ऑनलाइन लिया था। देन मैं इसके बाद कॉम्पैक यूज़ करूँगी, ये भी मेबलिन का कॉम्पैक है,
हिसाब से मैं अपने फाउंडेशन वगैरह को सेट करने के लिए जो भी मैंने मेकअप किया है उसको सेट करने के लिए यूज़ किया है। अपनी नेक पे भी अप्लाई कर लिया है और फेस पे भी से हल्का हल्का अप्लाई कर लिया है, आप देख सकते हैं। देन उसके बाद मैं लिपस्टिक ट्राई करूँ, सॉरी इसके बाद मैंने अब हाइलाइटर यूज़ किया है। ये मिस क्लियर का हाइलाइटर है जो कि मैंने एक लोकल शॉप से परचेज किया था। ये बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है, काफ़ी अच्छा लुक देता है। इसे मैंने अपने चीक्स पे, फोरहेड पे और नोज़ पे अप्लाई किया है। इससे काफ़ी ग्लो आ जाता है आपके फेस पे, आप देख सकते हैं। इसे मैंने ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर लिया है। आई होप आप देख पा रहे होंगे जो ग्लो चिक्स पे शो हो रहा है। दिन में इसके बाद अप्लाई कर रही हूँ ब्लश। ये भी जो ब्लश है ये मैंने लोकल शॉप से लिया था, काफ़ी अच्छा ब्लश है। देन मैंने लिपस्टिक अप्लाई की है, ये शुगर की है, रेड कलर की। दिस इज द फाइनल लुक। अगर आपको ये लुक पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।